चावलों का आटा लिया मैंने, ये कितना होगा, 2 गिलास शायद, 2 गिलास आटा है चावलों का। इसके मैं बनाने जा रही हूँ चावलों के आटे की पूड़ी, और इसमें गुड़ की बनाऊंगी मैं। इसमें डालूंगी ये गुड़, ये मैंने पानी बना रखा है गुड़ का, ये देखिए दिख भी नहीं रहा सब, यहाँ मैंने पानी बना रखा है। मैंने तीन शायद 3 घंटे होगा इसको, तब मैंने इसको मतलब घोल दिया था गुड़ को। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी पूड़ी, और मैं ये गुड़ गुलावा इसमें डाल दूंगी। बहुत टेस्टी बनती हैं ऐसे पूरी। कुछ नहीं डाला इसमें, सिर्फ चावल का आटा है, और इसमें मैं ये डाल दूंगी गुड़ का पानी। मैंने ये 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, मैंने सारा गुड़ इसमें का घुल गया है, उसके बाद मैं इसमें डाल लूंगी और ये अच्छा करके आटा गूंद लूंगी इसका चावलों का, और फिर इसकी बनाऊंगी पूड़ी चावलों के आटे की। और मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये खाली नारियल डालूंगी, ये हैगा नारियल, बस इसमें ये नारियल डाल के और मेरी पूड़ी तैयार हो जाएंगी। बहुत टेस्टी लगती हैं ठंडी, जैसे ठंडी हो जाए तो सुबह को चाय के साथ खाओ तब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये अच्छी तरीके से भून लूँगी आटा, और मैं इसमें ये नारियल भी डाल दूँगी। मेरे पास और कुछ नहीं थे चीज़, मैंने सोचा ये नारियल ही डाल दूँ, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा नारियल से, तो मैंने इसमें ये नारियल भी डाल लिया है। और इसमें सारा ये गुड़ का पानी डाल दूँगी, उसके बाद ये अच्छी तरीके से आटा इसको गूँथ लूँगी मैं बढ़िया करके। सच में बहुत टेस्टी बनती है, देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। अभी मैं अच्छी तरीके से गूंद लेती हूँ उसको, उसके बाद पूड़ी बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी टेस्टी बनती है। यहाँ मेरा आटा बनकर रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा आटा तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पूरियाँ बनाने की तैयारी करूँगी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, तो कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ देखिए आटा तो मैंने गूँध ही लिया था, और ये चावल का आटा है, और तब भी पूरियाँ बिल्कुल टूट नहीं रही हैं, एक भी पूरी नहीं टूटी थी। पहले पहले एक दो टूटी, उसके बाद तो बहुत अच्छी पूरियाँ आई थी, और तेल में डालने के बाद तो बिल्कुल नहीं टूटी, बहुत टेस्टी पूरियाँ बनी थी चावल के आटे की। और इसमें मैंने सिर्फ गुड़ नारियल दो चीज़ें डाली हैं, पर सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। बस ये वाली टूटी, एक दो टूटी हैं पहले पहले, उसके बाद तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनी, सारी बन करके तैयार हो गई थी। फिर मैंने तेल में डालना शुरू करी, सच में बहुत टेस्टी लग रही थी, चाय के साथ तो मज़ा आ गया, खाने में बहुत टेस्टी लगी। चलिए मैं सारी पूरियां बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। Do you love me, Matthew? I do. Honestly.
yet, secretly, but not secretly. No more secrets.